सो आप लोग बहुत ही मुझसे पूछ रहे थे कि मैं आईपैड कौन सा वर्जन यूज करती हूँ एंड नोट्स के लिए स्पेशली कौन सा ऐप यूज करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं आईपैड यूज करती हूँ अपने वीडियोस में तो मेरे पास ये कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या कौन सा आईपैड है दीदी आपका और कौन सा नोट्स ऐप आप यूज करते हो। तो ये सब के बारे में मैं आज के वीडियो में आप लोग को बताती हूँ। सो हे एवरीवन, दिस इज आशना परवीन, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट आईजीजीएमसी नागपुर। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ माय 30 डेज चैलेंज सीरीज। टुडे इज डे 22 एंड लेट्स स्टार्ट द डे। तो आज सुबह उठने के बाद थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे सुबह उठने में, बिकॉज कल रात को सोने में भी लेट हो गया था, नींद भी नहीं आ रही थी कल रात में, तो आज सुबह उठने में लेट हो गया। सबसे पहले उठ के मैं किचन में गई तो देखा मम्मी खाना बना रही थी। मैंने कल ही उन्हें बोला था कि मुझे बहुत मन कर रहा था छोला खाने का बहुत दिनों से, तो मैंने उन्हें बोला था कि आप मेरे लिए बना देना एंड शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। सो वो अपना जो तैयारी कर रही थी एंड देन उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करके अपना फर्स्ट स्टडी सेशन के लिए मैं अब बैठने जा रही हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट स्टडी सेशन लेट मी शो यू माई आईपैड वर्जन एंड ऑल्सो शो यू कि कौन कौन से एप्स हैं जो मैं यूज करती हूँ और अपने नोट्स के बारे में भी आपको दिखाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो आईपैड का कौन सा वर्जन मैं यूज करती हूँ, दैट इज आईपैड एयर 5 यूज कर रही हूँ एंड दिस इज ऑफ ब्लू कलर, जो कि बहुत ही डिसेंट सा कलर है एंड इसके साथ जो पेंसिल है ये एप्पल पेंसिल नहीं है, एक स्टाइलस है जो मैं यूज करती हूँ। मैंने अमेजोन से इसे ऑर्डर किया था एंड 1 ईयर से ज्यादा इसे यूज करते हुए हो गया है एंड मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना इसके टिप में कोई प्रॉब्लम हुई है ना चार्जिंग में कोई इसको प्रॉब्लम हुई है एंड इट अटैचेस हेयर टू द, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है मेरे लिए, तो बहुत ही बेस्ट है। एंड दिस आईपैड इज द फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट फ्रॉम माय ओन इनकम, जो मेरे यूट्यूब से रिवेन्यूज आ रहे थे मेरे पास उससे सबसे पहली चीज जो मैंने ली थी वो ये आईपैड ही था। ये जो वीडियो रहेगा इसमें 2 पार्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगी, सबसे पहले ये दिखाऊंगी कि एप्स कौन कौन से मैं यूज करती हूँ एंड फिर उसके बाद दिखाऊंगी कि अपने नोट्स के लिए कैसे मैं बनाती हूँ, क्या क्या यूज करती हूँ, कैसे आप लोग अच्छे वेज में अपने नोट्स को कंसाइज कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले आ जाता है मेरा होम स्क्रीन आ जाता है, जहाँ पे सबसे पहले क्लॉक है। क्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यूज करती हूँ वो करती हूँ स्टॉपवॉच। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 आवर पे स्टॉपवॉच स्टॉप है, बिकॉज मैंने 3 आवर्स तक अभी पढ़ लिया एंड अब जो है मैं रात में पढ़ने वाली हूँ, अभी एडिटिंग का अपना काम करूंगी। बट यहाँ पे पोर्ट्रेट्स मेरे जो भी फोटोज आते हैं वो मेमोरीज जो होती है वो यहाँ पे आती रहती है। फिर उसके बाद ये रिमाइंडर्स का है, उसके बाद फाइल्स ऐप है जिसमें कि मेरे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं एंड मेरे को कोई भी ऑडियो अगर इंपोर्ट करना होता है, सब कुछ जो भी मेरे एडिटिंग से रिलेटेड भी काम होता है ना वो मेरे फाइल्स ऐप में रहता है, मैं अपने इसमें अपलोड करके रखती हूँ। प्रेपलेटर मैं यूज करती हूँ अपने स्टडीज के लिए, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो जितने भी वीडियोस देखने होते हैं ना वो मैं प्रेपलेटर से ही देखती हूँ, उसी के जो नोट्स होते हैं उससे ही करती हूँ। नेक्स्ट इज फोटो बूथ, ये जो है मैं अपने टाइम पास के लिए यूज करती हूँ, इसमें अलग अलग तरह के वो दिखते हैं, तो ये मैं टाइम पास के लिए अपने यूज करती हूँ थोड़ा सा। इसके बाद जो है नेक्स्ट ऐप जो है सफारी, विच आई यूज अ लॉट, जिसमें कि मैं यूट्यूब स्टूडियो मेनली जो है मैं सफारी में ही ओपन करके रखती हूँ, उसका ऐप नहीं मैंने डाउनलोड कर रखा है। और यूट्यूब स्टूडियो क्या होता है, जिससे कि आप अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करते हो, स्टेटिस्टिक्स देखते हो, सब कुछ आपको उससे पता चलता है। फिर उसके बाद नोट्स के लिए ऐप जो है वो यूज करती हूँ मैं कोला नोट एंड इट्स टोटली फ्री, इस पे आएंगे हम लोग पर थोड़ी देर में आते हैं, पहले और भी चीज़ आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट ऐप दैट आई यूज इज स्पॉटिफाई, मेरे को ऐसा है कि कभी कभार कंसंट्रेशन आपका नहीं होता ना, तो मैं गाने सुन के एंड देन अपने कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करती हूँ। पहले मेरे साथ ऐसा नहीं था कि हाँ मेरे को गानों के साथ ही करना है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हाँ गाने अगर सुन लो तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बन जाता है। फिर नेक्स्ट ऐप इज नेटफ्लिक्स, जो कि मैं यूज़ करती हूँ कभी कभार अपने जो भी सीरीज देखना होता है उसके लिए, बहुत ज़्यादा यूज़ इसमें नहीं करती हूँ, देखना रहता है तो मोबाइल में ही मोस्टली मैं देखती हूँ। एडिटिंग के लिए कुछ ऐप्स मैंने रख रखे हैं, लाइक VN ऐप है जो जिससे कि मैं एडिट करती हूँ, VLLO ऐप है जिससे कि मैं एडिटिंग करती हूँ, तो एडिटिंग का काम भी मेरा इसी में रहता है, सारे प्रोजेक्ट्स मेरे इसी में हैं एंड VLLO में भी मैं एडिट करती हूँ। VLLO में मुझे फॉन्ट्स अच्छे मिलते हैं, इस वजह से मैं 2 प्रेफर करती हूँ। यूट्यूब में जो भी मेरे को अपलोडिंग करना होता है वो मैं आईपैड से ही अपलोड करती हूँ डायरेक्टली, तो इस वजह से यूट्यूब का भी मैंने कर रखा है। इसके बाद Zapier एक ऐप है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन से आप अगर आईपैड में या आईपैड से एंड्रॉयड फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐप मेरे लिए यूज़फुल होता है, जिससे कि मैं सब कुछ अपने जितने भी वीडियोज़ होते हैं उसे शेयर करती हूँ। फिर उसके बाद टेलीग्राम, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप्स इन माई लाइफ, मेरा टेलीग्राम चैनल खुद भी है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग को अगर नीट से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए या गाइड्स चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, कुछ भी मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए, मेरे अगर नोट्स चाहिए, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लेट इज दिस वन, नॉट दिस वन, दिस वन, आशना परवीन
इस नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो ये मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग करते हैं, लाइक जितने भी बुक्स होते हैं ना हम लोग के, वो सब आपको इस टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। मेरा तो ऐसा है कि मैंने सेकेंड ईयर में सिर्फ दो बुक्स खरीद रखी है, ये आपको दिख रही होगी, फार्माकोलॉजी की रॉबिन्स खरीद रखी है मैंने, एंड माइक्रोबायोलॉजी की मैंने कोई भी बुक नहीं खरीद रखी है। तो सब कुछ मेरा आईपैड से ही चलता है। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट स्टेज पे, दैट इज कोला नोट्स। कोला नोट्स बहुत ही टोटली फ्री है एंड वेरी गुड ऐप। और एक जरूरत जो होती है ना, एक स्टूडेंट को मिनिमम जरूरत जो होनी चाहिए कि हाँ नोट्स कैसे बन जाने चाहिए, हाईलाइटिंग उसमें होना चाहिए, आपके पीडीएफ इंपोर्ट हो जाने चाहिए, तो ये सारी चीजें इस ऐप में हो जाती हैं बहुत ही अच्छे से। तो आप लोग इस ऐप को जरूर प्रेफर कर सकते हैं। कोला नोट्स ऐप के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो मैंने अपना पूरा ऑर्गेनाइज कर रखा है इस ऐप को। लाइक मेरा ऐसा है कि फर्स्ट ईयर के भी कुछ सारी चीजें हैं, तो फर्स्ट ईयर के जो भी मेरे नोट्स हैं, लाइक मैं आपको न्यूरो एनाटॉमी के नोट्स दिखाती हूँ। तो मैंने ये न्यूरो एनाटॉमी का नोट्स बना रखा है। सबसे पहला फ्रंट पेज मैंने ऐसा बना रखा है इसका। न्यूरो एनाटॉमी मुझे बहुत ही ज्यादा कठिन लगती थी, इस वजह से मैंने ये स्टिकर यूज किया, दैट शी इज वर्किंग हार्ड, उसके पसीने आ जा रहे हैं, क्योंकि न्यूरो एनाटॉमी मुझे पसंद नहीं था पर्सनली। छोटी छोटी जो ड्रॉइंग्स होती है इसके लिए भी मैं यूज करती हूँ, ये ड्रॉइंग बनाने के लिए। अब जो सेकेंड ईयर में मेनली है, मैंने तीनों अपने उसका बना रखा है। पैथोलॉजी का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे हर्षमोहन बुक इसमें पूरी है, तो ये पूरी बुक इसमें है एंड इसी से मैं पढ़ती हूँ, बुक की मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है। सो कोला नोट को यूज करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। तो जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पे आपके सारे पेंसिल्स दिए हुए हैं कि पेन आपको कौन सा यूज करना है। आप लोग बॉल पेन यूज करते हैं या फाउंटेन पेन यूज करते हैं, जिसको जैसा पसंद हो। उसके बाद आपका यहाँ पे सारे कलर्स आ सकते हैं, यहाँ पे विड्थ है, ओपेसिटी है। सेकेंड वन इज योर हाईलाइटर, हाईलाइटर आप यूज कर सकते हैं कि कैसे, और बहुत ही अच्छा हाईलाइटर रहता है, आराम से आप इसमें सारी चीजें इससे हाईलाइट कर सकते हैं। थर्ड वन इज द कि आप लोग इसे रिमूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे लेजर पेन होता है, जो कि आप स्टडीज में यूज करा जाता है, जैसे कोई भी अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप यूज इसको कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर करके पढ़ाने के लिए, दैट डिसअपीयर्स आफ्टर सम टाइम। और सबसे अच्छी बात इसकी जो ये है कि ये बिल्कुल फ्री है एंड वो आप लोग, और ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा, मेरे को भी एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था, तो मैंने जब स्टार्ट किया इसको यूज करना तो काफी अच्छा लगा एंड अब तो मैं इसी पे रिलाई करती हूँ। तो यहाँ पे नोट्स ऐप जो है, जो कि यूज एप्पल का नोट्स ऐप जो होता है, उसको किस लिए मैं यूज करती हूँ, तो इसको मोस्टली मैं यूज करती हूँ अपने स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए। जो भी वीडियोस का स्क्रिप्ट होता है ना, उसको मैं इसी में लिखती हूँ। तो ये सब मैं मोस्टली यूज करती हूँ, रफ वर्क के लिए मैं यूज करती हूँ। कोला नोट जो है मेरा पूरा ऑर्गेनाइज रहता है, जिसमें कि मैं अपने एकेडमिक से रिलेटेड सब कुछ करती हूँ। तो ये था मेरा आईपैड के ऊपर कि क्या क्या है मेरे आईपैड में एंड मैं कैसे कैसे यूज करती हूँ। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय फर्स्ट स्टडी सेशन 1 hour 47 मिनट्स मैंने पढ़ा थी एंड देन अब जो है पापा आ चुके थे, तो अब खाने का टाइम हो गया था एंड हम लोग वहीं पे मस्ती मजाक कर रहे थे। क्या बना रही हो मम्मी? नान बना रहे हैं। नान बना रही हो? और क्या बनाई हो? छोले? मैंने ही बोला था छोले के साथ बना रहा हूं। स्पेशल छोले बनाए हैं सफेद मटर के, और ये नान हम आटे का बना रहे हैं, मैदे का नहीं। आटे का? हाँ, रेस्टोरेंट में हेल्दी हेल्दी हो गया। हाँ, हमको तो रेस्टोरेंट वाले नान से अच्छा ये वाला, घर वाला अच्छा लगता है। हाँ, वैसे सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट होता है और खाने में टेस्ट भी अलग ही होता है। अभी ये देखो, दिखा दो पीछे से। ये मेरा नान और छोले तैयार है। खाने के बाद और अपने सारे काम करने के बाद, मैंने अपना जो नहाने धोने का काम करने के बाद थोड़ा सा अपने स्किन का केयर किया, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी है एंड आपकी स्किन बहुत ही ख़राब होती है एंड जो हॉस्टल में तो रहने पे तो बिल्कुल हो ही नहीं पाता है मुझसे, तो घर पे मैं आई हूँ, तो आजकल मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि घर पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो वो करने के बाद वापस से मैं एक घंटे बाद बैठ गई पढ़ने के लिए अपना सेकंड स्टडी सेशन। अब जो है मैं एक घंटे के लिए पढ़ूंगी एंड देन अपना काम करने के लिए करने जा रही हूँ एंड देन उसके बाद फ्री होने के बाद फिर वीडियो एडिटिंग का काम कर लूंगी, फिर आगे करते हैं। अभी तो पढ़ने जा रही हूं। अभी जो है बज गए हैं 10, मैंने एक घंटे का जो था शाम को पढ़ाई की, उसके बाद नैप लेने के बाद अपने वीडियो एडिटिंग का काम किया। आजकल वीडियो एडिटिंग में भी मुझे टाइम लग जा रहा है यार, 2-2.5 घंटे लग जा रहे हैं टोटल मिला के। तो वीडियो एडिट करती हूँ, फिर थंबनेल बनाने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। वो सब करने के बाद किचन में थोड़ा सा काम करवाया मम्मी के साथ, और अब बच चुके हैं 10, खाना तैयार हो चुका है और पापा खाना मांग रहे, तो उनको देख के आती हूँ। तो अब खाना खाने के बाद 10:30 तक मैं कंप्लीट कर लूँगी एंड फिर पढ़ाई करने बैठ जाएँ।
थोड़ा ज्यादा खा लिया। आज आज मम्मी ने खाना ज्यादा खा लिया और इसलिए ऐसे बैठी हुई है। मटर की दाल यूपी में बनती है, इस साइड राजस्थान में तो मैंने नहीं देखा है बनते हुए कि राजस्थान में नहीं बनता है, जानते भी नहीं है मतलब यहाँ पे। ये यूपी बिहार में भी बनती है, यूपी बिहार में बनती है, मटर की दाल बनती है उसको करके। अब पता नहीं कैसे बनती है, मुझे भी नहीं पता, बस खाने में हाँ हरे मटर की ठंडी में ही बनती है, क्योंकि हरे मटर और जो सॉफ्ट सॉफ्ट मटर होते हैं ना उसकी बनती है, बट खाने में मुझे भी पसंद है मटर की दाल। तो वही आज बनी थी तो वही ज्यादा खा ली। तो अब खाना खाने के बाद अब हो गए, जैसे मैंने अपना टारगेट रखा था तो 10:45 होने वाले हैं और अब मैं जो है पढ़ने जा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड सेशन और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पैथोलॉजी। इतने आवर्स मैंने अभी तक पढ़ लिए, 2 hours 44 minutes। लेट्स स्टार्ट आवर स्टॉप वॉच एंड देन गो टू द पैथोलॉजी लैब। चलो मम्मी मैं पढ़ लेती हूँ और मुझे इसके नोट्स भी मैं रेगुलरली बना रही हूँ साथ में, तो नोट्स के साथ पढ़ना है कि अब जो है मेरे एग्जाम्स बहुत पास आते जा रहे हैं तो मुझे अपने आवर्स ऑफ स्टडीज को भी इंक्रीज करना होगा। तो आज जो है मैंने कंप्लीट किया अपना पूरा स्टडी सेशन एंड लास्टली मैंने कितने आवर्स पढ़े, तो 6 hours 36 minutes जो है मैंने टोटल आज पढ़ा था, 3 बज चुके थे। हेयर इट इज द एंड ऑफ द डे 22 ऑफ माई 30 days चैलेंज एंड आज का डे मेरा काफी प्रोडक्टिव डे रहा है। एंड आई होप आप लोग को इस वीडियो में पता चला होगा कि मेरा आईपैड कौन सा है, मैं कैसे यूज करती हूँ, कौन कौन से ऐप यूज करती हूँ। आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।